अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक मजे में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। भाई मसला कुछ ऐसा हो गया था कि मैं कुछ दिनों से जो है वो आप लोगों से कटा कटा था, गायब सा था और आप लोगों को बड़ा मिस किया मैंने, क्योंकि मेरे साथ एक हादसा हो गया था। और हादसा कुछ ऐसा हो गया था कि मेरा जो है वो मोबाइल स्नैच हो गया था। तकरीबन आज बोले तो पूरे 10 दिन हो गए, ठीक है ना। तो समझ लो मैं बहुत ही मुश्किल हालात में था कि यार मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, किस तरह करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो वाकया मतलब मेरे साथ हुआ ना, मैं उस वाकये से बाहर नहीं निकल पा रहा था कि यार ये हुआ कैसे, मतलब समझ नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बस हो गया। भाई कराची शहर जो है वो इस टाइम पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वो तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी हमारी जो है वो कोशिश होती है कि हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं और आप लोगों के लिए जो है हम अच्छी से अच्छी जगह पे जाएं ताकि आप लोगों को जो है वो वीडियो मिल सके। बस यही बात है। और मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था कि यार अब मैं क्या करूँगा, किस तरह मैं लूँगा, क्योंकि आपको मालूम है आज के इस दौर में, महंगाई के इस दौर में एक मोबाइल लेना वो भी एक अच्छी वैल्यू वाला, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लॉगिंग अगर करनी है तो आपको एक वैल्यू वाला मोबाइल चाहिए होगा, ठीक है ना। बस मुश्किल हालात हैं और अल्लाह पाक ने बड़ा एहसान किया और एक बस मान लो अल्लाह पाक की तरफ से जो है वो हालात पैदा हुए और मैंने जो है वो मोबाइल लिया। मतलब ये अल्लाह के करम है और आप लोगों की दुआएं हैं जो साथ आ गई, ठीक है ना। वरना मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मोबाइल ले सकूँगा, क्योंकि 10 दिन के अंदर अंदर और फिर बस मेरे पे जो गुजरी है ना वो तो मैं ही जान सकता हूँ। आप लोगों को पता है कि भाई अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो समझ लो डिप्रेशन में चला जाता बंदा कि यार ये हुआ क्या, बस वही वाली सीन थी। और बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि भाई अगर रोडों पे निकलना तो देखभाल के निकलना, और मोबाइल आज के दौर में मोबाइल होना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए ना एक ऐसी ज़रूरत बन गई है हमारी कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते। और कुछ नहीं, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ऐसा ही है ना। और मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों की जो पसंद है मैं उसके ऊपर काम करूँ, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँ, जो आप जैसा कहते हैं मैं उसको वैसा करने की कोशिश करूँ, क्योंकि भाई वादा तो नहीं कर सकते लेकिन ये कि कोशिश कर सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो बनाऊँ अच्छी से अच्छी और आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है ना। तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा मुझे। और मैंने जो है वो इस टाइम पे मोबाइल लिया है इन्फिनिक्स Note 30, ठीक है ना। और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सेट है, मुझे पसंद आया, कैमरा माशाल्लाह बहुत अच्छा है इसका, ठीक है ना। मेमोरी इसकी अच्छी है, 256 GB 8 GB रैम है माशाल्लाह, इसका चिपसेट भी अच्छा है। और माशाल्लाह अभी तक तो मुझे मतलब 2 दिन हो गए और इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, ठीक है ना। लोग समझते हैं कि यार इन्फिनिक्स कंपनी नहीं यार ये वो, भाई ब्रांड कोई भी ब्रांड ले लो लेकिन ये है कि इस्तेमाल के ऊपर है, आपका इस्तेमाल किस तरह का है, क्योंकि मैं गेमिंग वगैरह का तो करता नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग है, तो ब्लॉगिंग के हिसाब से ये कैमरा भी बेस्ट है और इसकी स्टोरेज भी बेस्ट है और रैम भी बेस्ट है। और अभी तक मुझे जो है मोबाइल के अंदर कोई भी लैग शैग नज़र नहीं आया और माशाल्लाह तस्वीरें भी मैंने ली अलग अलग एंगल, नाइट मोड भी इसके अंदर सुपर नाइट मोड इसके अंदर है, माशाल्लाह बेहतरीन है भाई। आप लोग अगर चाहें तो गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं और माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। तो बस आप लोगों को यही बताना था कि भाई कुछ अर्से से जो मैं नज़र नहीं आ रहा था उसकी क्या वजह है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम दोबारा मिलके एक साथ जो है वो काम करेंगे और आपकी पसंदीदा जो है वो वीडियो आएंगी, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।